रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये दिन था 27 फरवरी 2019 की, वो तारीख थी कि जो कि पाकिस्तान की तारीख में हमेशा सुनहरे हरूफ से ये लिखा जाएगा। और ये कोई बहुत पुरानी दास्तान भी नहीं है, ये तो हालिया तारीख की बात है। ये कोई किताबी बात भी नहीं है कि दुश्मन ने एक शरारत की थी 26 फरवरी को, जिसके बाद पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये बयान दिया था कि हम जवाब देंगे, और जवाब कब देना है, कैसे देना है, कहाँ देना है, ये हम तय करेंगे। और ये कहने के बाद, सिर्फ कहने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि 24 घंटों के अंदर अंदर जवाब दिया गया 27 फरवरी 2019 को। जब एक नापाक, जब एक गिरी हुई हरकत करने की कोशिश की गई, तो कोशिश तो थी गिरी हुई हरकत करने की, लेकिन खुद अपना एक नमूना यहाँ गिरा कर चले गए अपने दो जहाजों समेत। और इसी वजह से हम आज के इस दिन को बड़े ज़बरदस्त अल्फाज में याद करते हैं, और पाकिस्तान की तमाम आर्म फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं भरपूर तालियों में। और यही वजह है कि वैसे तो पाकिस्तान में चाय बहुत शौक से पी जाती है, दुनिया के कुछ ममालिक है जहाँ चाय सबसे ज़्यादा शौक से पी जाती है, इसमें एक पाकिस्तान है, लेकिन आज के इस दिन की वजह से और एक गिरे हुए इंसान की ख़ास हरकत की वजह से, जो कि खुद आगे फिर गिर गया था, उसकी हरकत की वजह से चाय को भी पाकिस्तान में ख़ास तशख्स मिला। इसलिए आज पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द व जन सब मिलकर हम आवाज़ होकर एक बात कहते हैं, और वो बात यह है दैट द टी इज वेरी 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 जनाब, आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड WB बाय हिमानी, पावर्ड बाय शूप। पाकिस्तान सुपर लीग के जबरदस्त मैचेस का सिलसिला है जारी, और आज थे दो मैचेस। पहला मैच था कराची किंग्स का मुल्तान सुल्तान से, स्कोर कार्ड निकाल रहा हूं मैं, कराची किंग्स का मुल्तान सुल्तान से, जो कि एक जबरदस्त मुकाबले में कराची किंग्स ने यकतरफा अंदाज में जीत लिया बाबर आजम की जबरदस्त बैटिंग की बदौलत, बहुत सारी मुबारकबाद। जबकि जो दूसरा मैच था वो भी यकतरफा ही हो गया, इस्लामाबाद यूनाइटेड बमुकाबला पेशावर जलमी था। इस्लामाबाद ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 118 रन बनाए, एक ऐसे माहौल में कि जब 190, 193, 196, 199 बहुत आसानी से चेस हो रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ 118 रन बना पाया, जिसको बआसानी पेशावर जलमी ने चेस किया। और ये पेशावर जलमी आज का दूसरा मैच 6 विकेटों से जीत गया, बहुत बहुत मुबारकबाद पेशावर जलमी को। इस पर अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे आज के मेहमान हुए कि जब हमने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि ये दो अफराद हमारे आज के मेहमान होंगे, तो मुझे ज़ाती तौर पर, यानी कि अपने व्हाट्सएप पर भी, फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कहाँ कहाँ इतने मैसेजेस आए कि भाई आपने ये बड़ा अच्छा काम किया, हम इनको सुनना चाहते थे, इनको साथ देखना चाहते थे, इनकी बातें सुनना चाहते थे। बहुत बड़ी तादाद में हमें लोगों ने कहा, दोनों माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, कपल हैं, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे, सारी खुशियाँ दिखाएं इंशाल्लाह। उनमें एक है सियासी शख्सियत, मेरा ज़ाती बड़ा एहतराम का और एक दोस्ताना ताल्लुक है, ज़ाहिर एक सियासी नज़रिया रखते हैं जिससे आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही एक लर्नड और एक ऐसी शख्सियत जो कि अपने काम की वजह से भी इतने मुमताज़ हैं कि हमारे बाकायदा शान रमज़ान का हिस्सा होते हैं, जिसकी वजह उनकी सियासी शनाख्त नहीं बल्कि उनका काम है, और कई और हवालों से अपनी बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने पहचान बनाई। मुझे लगता है बहुत जल्द इनकी एक और पहचान बन जाएगी, पाकिस्तान के ऐवान बाला का भी हिस्सा बन जाएंगे। और इनके साथ मौजूद हैं इनकी ज़ौजा मोहतरमा, जो कि ARY न्यूज़ का हिस्सा हैं, पाकिस्तान में उन्होंने मॉर्निंग शोज़ किए हैं, बड़े ज़बरदस्त किए, न्यूज़ एंकरिंग आपने की देखी, होस्टिंग देखी, रमज़ान ट्रांसमिशन देखी, हर रूप में देखा और बहुत ज़्यादा पसंद किया। ख़वातीन हज़रात, हमारे आज के ख़ास मेहमान फैसल सब्जवारी साहब और मदिया नकवी साहिबा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आदाब अर्ज़। आदाब। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। जनाब आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। नहीं, आप यकीन करें, मुझे इतने लोगों ने कहा जाती तौर पे भी और सोशल मीडिया पे भी कि आपने बहुत अच्छा किया, तो लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं आप लोगों से, आपको साथ देखना चाहते हैं। जनाब लोगों का बहुत शुक्रिया, और आपका प्रोग्राम ऐसा है कि आपने जब भी बुलाया हाजिर होना kind of है। पहली दफा मदिया के साथ हाजिर हुआ, और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को, आपको जाती तौर पे भी और वैसे भी काफी लोग इनवाइट करते हैं, जाती जानता हूँ, लेकिन आपने हमेशा इज्जत दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फॉलो कर रहे हैं PSL? नहीं, मैं थोड़ा सा जो सियासी फॉलो कर रहे हैं, इसमें ज्यादा खेल हो रहा है या उस सियासत में ज्यादा खेल हो रहा है सेनेट वाले? वहाँ ज्यादा खेल हो रहा है, असल में हम खेल में सियासत करते हैं और सियासत में खेल रहे होते हैं। हाँ, तो यही सूरत हाल चल रही है। इस पर जरा बाकायदा भी बात करेंगे, और बहुत सारे मेहमान भी आए हैं, लेकिन सर राशिद भाई जी, सर
कराची किंग्स ने पहला मैच तो आसानी से निकाल लिया जी, थैंक्स टू बाबर आजम, या एक टीम परफॉर्मेंस थी? टीम परफॉर्मेंस थी, और लास्ट में जिन्होंने बॉलिंग की है, चाहे मोहम्मद आमिर हो या अरशद इकबाल हो, लास्ट फोर ओवर्स में रन नहीं बनाए, वरना ये 220 अगर रन हो जाते वो जरा बहुत मुश्किल है। और एक मरे भी लग रहा था कि 200 तो आराम से बनेगा, ऐसा लग रहा था। बाकी बाबर आजम नाम ही काफी है, कमाल है वैसे यार, क्या बात है। दूसरा मैच पेशावर, इमाम उलग सिफर पे आउट हुए। नहीं, इमाम उलग कल भी बहुत अच्छा खेले थे, खिलाड़ी है, कभी अच्छा खेलता है, बुरा खेलता है। मैं चाहता हूँ हौसला बढ़ाए इमाम उलग, तालियां होनी चाहिए इमाम उलग। सर मेरी भी सुन ले, इमाम उलग कल बहुत अच्छा खेला था, कल क्या किया था कल, लेकिन हमारी आपसे बात नहीं हुई, उनकी टीम जीत रही है। हाँ तो भाभा खत्म हो गई ना, खत्म हो गए। यानी एक बंदे का टीम में होना इतना मुबारक है कि वो कुछ करे या ना करे टीम जीत रही है, लेकिन मुसीबत हमारी होती है कि कितनी कोशिश करते हैं आउट करवाने की, लेकिन वो आउट नहीं होता। यार आप लोगों ने इमाम उलग का पूछ के मैं अपना नाम भूल गया हूँ। लेकिन ये दूसरा मैच तो क्या हुआ, 118 मतलब इस पिच पे तो 190 200 बन रहा है। दूसरा मैच तो मजाक हुआ मुझे लगता है, खेलने का दिल नहीं कर रहा। What went wrong with Sambhaji? जब हसन अली को लिया था, इन्होंने कहा रोटी ग्रुप का हिस्सा आ गए। किसका हिस्सा? रोटी ग्रुप का। हाँ। मतलब क्या होता है? मतलब ये आपस में बैठ के ये पूरे गैंग जो है, अच्छा, ये एक साथ खाना खाता है। अच्छा, तो आज खाने का मूड था इनका। इस्लामाबाद यूनाइटेड का बात ही नहीं बनी। देखिए इसमें क्या, बैट्समैन जो होते हैं ना वो टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करता है, बाकी जितने भी है जो बैट्समैन है वो तो पीछे चले गए, जो वैसे ही शौकीन थे उनको आगे भेज दिया, जिसकी वजह से इनकी टीम बिल्कुल रह गई आज। आज वैसे मेरे हिसाब से फहीम अशरफ को ऊपर भेजने का भेजना चाहिए था, बनता नहीं था, कुछ मकसद बनता नहीं था। बाकी आसिफ अली हुसैन, तलत और इफ्तिखार ये तो पीछे आए, 5, 6, 7, 8 नंबर पे। सही है। आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, क्या हम दिखा सकते हैं? एक कमेंटेटर ने एक खिलाड़ी के बारे में ट्वीट किया था, डेल स्टेन के बारे में, कमेंटेटर ने कहा कि अ लिटिल मिड लाइफ क्राइसिस विद दैट हेयर, उन्होंने उनके हेयर स्टाइल को जरा निशाना बना के ये कहा था क्वेटा ग्लैडिएटर्स के डेल स्टेन को, अ लिटिल मिड लाइफ क्राइसिस विद दैट हेयर। इस पे बाकायदा रिस्पॉन्ड किया है, आमतौर पर जरा कम इस तरह की मिसालें कि इस तरह प्लेयर बाकायदा रिस्पॉन्ड करें। डेल स्टेन ने इस पे बड़ा सख्त जवाब दिया, और जवाब ये था, इफ योर जॉब इज टू टॉक अबाउट द गेम देन डू दैट, बट इफ यू यूज दैट एयर टाइम टू अब्यूज एनीवन फॉर देयर वेट, सेक्सुअल चॉइसेस, ethnic backgrounds, lifestyle, etc., or even hairstyles, then I'm afraid I have no time for you as a human. I have no time for you as a human, you and anyone like else, that to be fair. ये Del Steyn ज़्यादा react कर गए फैसल भाई, या बिल्कुल commentator ने गलती की? मेरे ख्याल में Simon Dole ने जो है बहुत ज़्यादती की है। Del Steyn मकसद दुनिया के cricket पे नाज होगा, तारीफ लिखी जाती है, वो ऐसा नाम है। ठीक है, मैंने कल इत्तेफाक से एक दो ओवर देखे। अच्छा, हाँ, मैं आखिर में देख रहा था, सियासी गुफ्तगू कर रहा था फोन पे, लेकिन मैच देख रहा था। हसनैन की वाइड पे बहुत अफसोस भी हुआ तो, बट स्टेन बहरहाल व्हेन ही वाज एट हिज प्राइम था ये, ऑफ कोर्स। सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। खुश आमदेद एक बार फिर, आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। ये कौन अफराद हैं आपके साथ, क्यों हैं, कैसे हैं, क्या? यार वसीम भाई, बात ये है कि हम आपको देखते थे न्यूज पे, जी जी, तो हमें लगा कि आपके बहुत ज्यादा ताल्लुकात हैं। जी जी है, लेकिन जब काम करना शुरू किया तो पता लगा कि आपके ताल्लुकात हैं ज्यादा से ज्यादा। आप तनवीर भाई को बुला लेते हो, ये है मैं देखा, और अगर एयर भाई का बजट ज्यादा बढ़ जाए तो आप अहमद को बुला लेते हो, जाके बोलता है मेरा ख्याल से मुल्तान जीतेगा। लेकिन क्या बोलते हैं अहमद, क्या बोलते हैं? मेरा ख्याल से मुल्तान जीतेगा, तो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यार वसीम भाई, 2-3 प्रोग्राम से देख रहा हूँ, मेरे ऊपर वैसे मैं आपके लिए एक अच्छी बात भी करना चाहता हूँ। मैंने नोट किया, आज आप चश्मे लगा के आए हुए, तो अच्छी बात की, अच्छा लग रहा, बुरा लग रहा हूँ आज भी, अच्छे नहीं लग रहे, नहीं लग रहे आज ही। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि जो आप इमाम उल हक को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो देखें, मुझे लग रहा है कामयाब हो जाएंगे आप। बिल्कुल ऐसी होगा, बिल्कुल ऐसी। अच्छा तो मैं आपको ये बता रहा था कि आज जिस शख्सियत को मैं लेके आया हूँ ना, ये वही शख्सियत है पूरी दुनिया की जो अपनी सालगिरह का केक एनिवर्सरी का केक सब काटते हैं वो, तो लेकिन साथ ही साथ अपनी जलालत का केक भी काटती है हर साल। ये अलग बात है, ये अलग बात है, ये मुनफरिद। तो मेरे ख्याल से हमें भी उनको उतनी इज्जत देनी चाहिए जिनकी उनकी पोस्ट है, सही है, कम इज्जत देंगे तो गलत बात है ना, ये बात सही। तो मेरे ख्याल से आप लोग की चल भाई, बता अपना नाम बता।
सर माई सेल्फ अभिनंदन वर्तमान इंडियन एयरफोर्स 20 मिनट में डिलीवरी वरना पैसा वापस। हाँ ये बात अपना तारू सिंह है। वो कौन तुम? सर मैं वो पायलट। अच्छा ये वही वाला पायलट है, वो गिजरी के नीचे नहीं होते, एक घंटा उड़ते हैं फिर नीचे गिर जाते हैं। ये भी वही वाला पायलट। थैंक यू सर, ऑनर फॉर मी सर, थैंक यू। साथ ही साथ एक और शख्सियत भी है। क्या है, कौन, क्या है? अरे भाई ये तो बहुत ही बड़ी शख्सियत है। अच्छा? ये वही शख्सियत है जिसने चीखे मार मार के अपनी बीवी को बहरा कर दिया। अच्छा? हाँ कितना चीखते? बहुत चीखते हैं, बहुत चीखते हैं। बड़ी मुश्किल से इनको छुड़वा के लाए, ये नाप दे रहे थे वहाँ। अच्छा नाप दे रहे थे? जी, किस चीज का नाप? गले का नाप दे रहे थे, फांसी होने वाली है ना, वो चेक कर रहे थे कि 4.5 आएगा 5.5। तो ये भी जेल से हैं? हाँ आपके वाकई बड़े ताल्लुक। कल भी आप एक मेहमान को जेल से लाए थे। हल्का नहीं हूँ मैं तो, आपको लग रहा है ये पुतला है, लेकिन इसकी ना रस्सी खींचनी पड़ती है। अच्छा ये ऐसे स्टार्ट नहीं होता, मैं आपको रस्सी खींच के दिखाता हूँ। क्या मतलब? अभी बोलेगा ये देखें, अभी बोलेगा ये देखें। सर डीजल पे थोड़ी देर से होगा। अच्छा I strongly object on this. This is not the way how you treat your guest. I strongly object on this. माइक बंद करो उसका, माइक बंद करो उसका। स्वामी से कहां से आ गए यार ये? This is not the way you introduce your guest, Mr. Wasim Badami. This is not the way you introduce your guest. You know what? I have been in jail. मैं जेल में हूँ, वहां पे मैं जेल में लेके गया मुझे यहाँ पे ये सब के लोग। वहाँ पे पुलिस मुझे कह रही है तुम अरब नहीं हो। अच्छा आप क्या मत क्या कह रही है? तुम बुलबुले के नबील हो। पुलिस कह रही है मुझे, कहते हैं महमूद साहब बोल के दिखाओ। नहीं भाई मैंने कहा, उसके बाद उन लोगों ने मुझे छोड़ा, बोल के दिखाया। आई हैव बीन द ओनली नेशनलिस्ट, द ट्रू नेशनलिस्ट हु हैव बीन एडवोकेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोदी, द विजन ऑफ मोदी, एंड आई हैव बीन द मैन हु हैज डिवाइस्ड द टर्म ऑफ इंडियट मोदिया। सर ये एक मैं इसको, सर चुप करो चाय गिरा देगा ये। अच्छा। सर मुझे मेरे में एक सवाल का जवाब फिर इनके भी दे दीजिएगा। आप उनकी इतनी तारीफें करते हैं yes. उनके yes. दौर में फिर भी आप जेल में गए मोदी साहब के दौर। Well, today I will not answer this question. In my show today, we have Wasim Badami from ARY. We have Faisal Sabzwari from Karachi. We have Rashid Latif, former Pakistani captain. And we have a renowned cricket commentator, a man whose prediction have been dot accurate, Mr. Ahmed Shah. Sir, what a cricketer he is. What a cricketer. My God. मोदी का प्रचार किया। आराम से आराम से आराम से, तुम्हारा मुल्क नहीं है ये, पाकिस्तान है। ज़्यादा दिमाग घूम के ना दो कान के नीचे हो जाएगा, ठीक हो जाओगे। ये साथ में जो अहमद शाह बिठाया हुआ ना, ये शीशे वाला नाड़ा ऐसा मुंह पे मारेगा, 3 दिन बाद निशान जाएगा। आराम से बात करो। I have been the one जिसने इसको हीरो बनाया, इसको ये, इसको ये कॉकरोच की मूंछ वाले को इसको हीरो बनाया मैंने। ये आपका वाकई, ये जब पाकिस्तान से आया था इंडिया, ये गटर के पास बैठ के रो रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ, कहता कोई मेरे तंदूर में पानी डाल गया। इस कंडीशन में आया था। I am the one who made him the hero. सर इतना बड़ा जर्नलिस्ट और जोक सिकंदर सनम का मार रही है। और बात सुनो, आदि भाई सही बोल रहा है, पाकिस्तानी लोग जब मारता है, I am a personal witness, सर मैं बड़ा कुट का है, आप लोग मारता अलग है और घसीटता भी है यार, क्या कमाल है आप लोग यार। Amazing सर, amazing, honored। आदि भाई ये अभिनंदन, ये सर अभिनंदन, ये बताओ कि कैसा लगता है कि तुम इस वर्दी के अंदर जहाज उड़ाते थे सर, अब इसी वर्दी के अंदर तुम उस्ताद को पाने पकड़ा रहे होते हो, कैसा लगता है? सर सर मैं वैसे भी उस्ताद को पाने ही पकड़ाता था, उस्ताद ने मेरे को जहाज का चाबी पकड़ा दिया। जहाज का चाबी? हाँ सही जहाज। बोला ये डीजल वाला जहाज है, चलाओ थोड़ी देर में गर्म होगा फिर स्पीड मारेगा। हाँ। मैं चलाए जब तक गर्म हुआ सर मुजफ्फराबाद आ गया। फिर सर मैं मुजफ्फराबाद में सुधा, उधर 3 साइड से पेट्रोल वाला 70 आ गया, ऐसा घुसा है समझो नागन से उतर, पावर हाउस में नाका लगा हुआ था सर, मेरे वाट लगे अयो चप्पल सर। लेकिन ये मेरे पास टाइम भी कम है बात। हाँ। आप भी बताएं, आपकी तो व्हाट्सएप चैट्स आपकी लीक हो रही है। हाँ। क्या, क्या 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 हो रहा है और ये क्या मैसेजेस हैं, ये जो आप सबको मैसेजेस करते हो, प्लीज मुझे महवेश रियाद का नंबर दे दो भाई ने। ये क्या ये किया आपको, किया आपको, किया सबको कर रहे भाई ने, नंबर दे दो यार। लिसन आई एम नॉट ओनली अ जर्नलिस्ट, मैं जकूटा भी हूँ। मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊ? जमीना करिए जकूटा वसीम भाई, ये जकूटा है, मेरे को चश्मा दो, मैं ऐनक वाला जिन है।
ये हमने तुम लोग की फिल्मों में देखा है, ये सुनील शेट्टी जो है मुंह उठा के बॉर्डर क्रॉस कर लेता है, संजय दत्त जो है बॉर्डर क्रॉस कर लेता है, सैफ अली खान, सैफ अली खान, तो हमने जब तुम्हारा जहाज गिराया तो हमें लगा अंदर से कोई रवीना टंडन निकलेगी, कोई ट्विंकल खन्ना निकलेगी। हमारे लड़कों ने भी जब जहाज खोला और अंदर से तुम निकले तो उन बेचारों की तो उल्टी निकल आई। वो कहाँ सर? वो मेरे को बोला था कि कटरीना पाकिस्तान गई है, तुम जाओ उसको पिक करके ले गया। अच्छा अच्छा, तो आप पिक एंड ड्रॉप भी करते हो सर? मैं ये काम हवा में भी होता है सर, पिक एंड ड्रॉप। सर मेरे पास साल में एक दिन आता है बोलने के लिए। जी सर। उस दिन भी मेरे बराबर में ये ड्रिल मशीन बिठा दिया। सर हम आपकी बातें सुनेंगे ब्रेक में, आपकी बहुत सारी बातें सुनेंगे। ठीक, मैं एक ब्रेक ले लूं और उसके बाद फिर ब्रेक के बाद। सर लेकिन इनसे पूछ लें क्या कि आपको पाकिस्तान के एक अच्छे से शो में आगे हर लम्बा पुरजोश में कैसा लग रहा है? आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। फैसल सब्जवारी साहब, मदिया नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंड आई एम श्योर दोनों का एक दूसरे बड़ा ट्रस्ट है, और इतना ट्रस्ट तो जाहिर है मस्ट है। तो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पर तशरीफ आवरी का। पहले तो मैं कोई पहले तस्वीर दिखाया, बचपन की तस्वीर है कोई फैसल भाई हमारे पास? मैं आता हूँ बचपन से हम जवानी की तरफ। ये कितने साल के चल रहे हैं आप इसमें? मेरे ख्याल में होंगे कोई 3-4 बरस की शायद ये होगी। मेरी वालदा को बहुत पसंद है ये तस्वीर। अच्छा, ओके ओके। और अगली तस्वीर दिखाएं। ओए ओए ओए, ये भाई आपने कौन इतनी प्यारी लड़की आपके साथ है? पता नहीं तस्वीर। अच्छा मैंने नोट किया, जैसा भी लड़का और लड़की के साथ खूबसूरत ही लगता है। आप कोशिश करते रहे, अभी तक कामयाब हुए नहीं हो रहा। हमने पल्ला दे दिया आग में। इस लड़की के लिए कोई एक लफ्ज कहना चाहेंगे? इस लड़की के लिए कोई एक लफ्ज? खुश शक्ल भी है वो, ये अलग बात है, मगर हमको जहीन लोग हमेशा अजीज थे। समझ नहीं आ, आप इसमें समझ नहीं, आप इसमें भी कोशिश करते रहे। इस लड़की को मुतासिर करने में अशआर का भी किरदार था? नहीं मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने अशआर की इतनी समझ नहीं है। अच्छा, इस लड़की के लिए आपने कोई शेर कहा कभी? भाई क्यों पिटवाओगे? ये मेरी इस लड़की के लिए कहा है ना, ये बहुत पुरानी डिमांड है, तमन्ना है कि मैं फैसले के फैसले। मैंने दुखती रंग पे हाथ रख दिया, हमें पता भी नहीं है ये पंडित था। अच्छा नहीं, अल्लाह रास्ते बनाते हैं। मैं तो कोशिश भी नहीं किया। थैंक यू वेरी मच वसीम बदामी साहब। तो नहीं लिखा इन्होंने? नहीं, मैं कहती रहेगी, मैंने सियासत पे लिख दिए, उन पे लिख दिए, साइमा पे, हाँ वो जो लंदन में नहीं रहता अब्दुल रऊफ जो दोस्त जो हमारा, जी जी जी। उस पे लिख, सब पे लिख दिए, उस पे भी लिख दिए, हाँ हाँ अब्दुल रऊफ पे लिख दिया, मदीहा नकवी पे नहीं लिखा। वजह कभी आए आमद ही नहीं हुई कभी? क्यों? ईमानदारी की बात है कि वो जो लिखा ना, वो अजीब कोई जज्बाती सी चीज बन रही थी, आजाद नाज़्म थी, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। यहाँ पे जज्बे क्या खत्म हो जाते हैं? खत्म नहीं होते। हाँ। वो मेरे ख्याल में अभी बहुत वक्त है भाई, क्या हो गया, लिख देंगे एक दिन आएगा जब आप शेर लिखेंगे इंशाल्लाह। और ये इब्तिदा इनिशिएट किसने किया था इस प्रोजेक्ट को? माशाल्लाह मैंने। अच्छा, तो ये मतलब ये पिशावर मेट्रो साबित हुआ प्रोजेक्ट जो सालों में तकमील हुई, या लाहौर मेट्रो साबित हुआ? मेरे ख्याल में पिशावर मेट्रो के मतलब बार बार जो जल रही है, कभी चलती कम है, जल्दी इसके हवाले से आप कह रहे हैं, या उसने इतना टाइम लिया कि साला साल लग गया इस प्रोजेक्ट को तकमील? हाँ मेरे ख्याल में काइंड ऑफ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कराची की ग्रीन बस साबित नहीं हुआ। सही है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते गुफ्तगू बाकायदा शुरू करते हैं। हाँ या ना जवाब, ठीक है भाई, राउंड है हमारा यॉकर राउंड, चले जाए। पहले सवाल आपसे, लेकिन बीच में इनसे नहीं, फिर आपसे। हाँ या ना, मदीहा की ज्यादा बोलने की आदत से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। नहीं परेशान नहीं हूँ, लेकिन बस औकात मैं अपनी उलझनों में होता हूँ। हाँ। और मैडम ऑटो पे होती हैं? हाँ, ऐसा लग रहा होता है इनका सुबह का जो मॉर्निंग शो का कैमरा जो है ना चल रहा है। आप सुने बगैर हाँ हाँ कर रहे होते हैं? मुझे इनको याद दिलाना पड़ता है कि हेलो आई एम रीडिंग समथिंग। कुछ और भी है, और भी गमन आज है। मदिया के सियासी नजरियात मुझसे मुख्तलिफ है? कतन, बिल्कुल। अच्छा, तो आपने, मदिया ने पिछले इलेक्शन में एमक्यूएम को वोट दिया? नहीं, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, मैं लाहौर जाने से, कि मेरा वोट लाहौर का था। अगर फ्लाइट कैंसिल ना होती तो एमक्यूएम को वोट देती? नहीं, लाहौर में मेरे हलके से कोई कैंडिडेट ही नहीं। अगर कराची में होती तो एमक्यूएम को वोट देती?
अगर फैसल फैसल ना होते नहीं फैसल ना होते तो फिर तो मियां को वोट देती ना, एमक्यूएम को वोट देती, पतंग के निशान पे मोर लगा दी, अब्दुल गफूर खड़ा है आपके इलाके से एमक्यूएम पे, आप वोट डाल रही एमक्यूएम को अब्दुल गफूर को या नहीं? अगर अब्दुल गफूर की पुरानी कारकर्दगी अच्छी होती तो वोट डालती। ज्यादा कारकर्दगी एमक्यूएम की अच्छी है या पीटीआई की आपके ख्याल में? पीटीआई की कारकर्दगी तो अभी अभी तो 2.5 साल हुआ है। एमक्यूएम की या मुस्लिम लीग नून की? मुस्लिम लीग नून की, मैं तो लाहौर से देख रही हूं, कराची भी ऑफ कोर्स नहीं, कराची में ऑफ कोर्स मैं लाहौर की बात कर रही हूं, मैं लाहौर कराची में तो कारकर्दगी है ही नहीं ना किसी। मैं कराची में जितना एमक्यूएम को मौका मिला और पीएमएल नून को लाहौर में मिला तो उस हिसाब से नून ने अच्छा परफॉर्म किया यार। नून ने लाहौर में अच्छा परफॉर्म किया यार, इन्होंने अच्छा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दे रहे कोई यार, जबान बंदी की जा रही है। राशिद भाई बैठे ना, मैं थोड़ी देर पुराने माहौल में मैं कह रहा हूँ, पहले तो घर में कॉर्नर मीटिंग करनी पड़ेगी। मैं आगे बढ़ता हूँ भाई, एक दो टीवी चैनल लगे हैं आपके सामने, एक पे मदिया का शो लगा हुआ है, एक पे नादिया खान का, तो आप किसका शो देख रहे हैं? यकीनन मदिया का। एक पे मदिया का लगा हुआ है, दूसरे पे शाइस्ता का लग गया, आप इसका देख रहे हैं? मदिया का। एक पे मदिया का लगा हुआ है, दूसरे पे फरा का लग गया, आप इसका देख रहे हैं? मदिया का शो। अच्छा, एक पे मदिया का लगा हुआ है और पूरे दुनिया की जितनी एंकर थे सब आ गई हैं दूसरे पे। हाँ। अब देख रहे हैं आप दूसरों को, अभी भी आप मदिया से डर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? नहीं डर नहीं रहे मेरे ख्याल में, मदिया को देखना चाह रहे हैं। मतलब ये जब भी शो करती आई हैं, जहां जहां इन्होंने किया, ये पढ़े लिखे मैनर में करती हैं, तो इसलिए आप मदिया का। हाँ या ना भाई, मोहब्बत का क्या है, कभी भी किसी से भी हो सकती है। हाँ या ना? हाँ। सुन लिया चलो सुन ले, मदिया बहुत पकाती हैं। ना खाना नहीं बनाती? अच्छा खाना बना, तो आपको क्या लगा यार? यार कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह, मैं उधर चला जाता, मैं उधर शो से चला जाता, मैं कुकिंग का पूछ रहा हूँ। हाँ तो मैंने भी उसी का ना कहा है भाई, खाना नहीं पकाती। तो आपने एक बार खाने की बात हो रही है? नहीं मैंने नहीं पूछा। खाना कौन बनाता है? खाना आप इनसे ज्यादा बनाते? मैंने लॉकडाउन के बाद से बनाना शुरू किया। तो मतलब फैसल बहुत पकाते हैं? खाना बहुत अच्छा पकाते हैं। आप इतना अच्छा नहीं पकाती? नहीं मैं नहीं, बहुत अच्छा पकाने के लिए पहले पकाना होगा। अच्छा एक बंदी वो खाना नहीं बना रही? नहीं, दाल चावल बनाए थे एक बार मैंने, once upon a time। उस दिन के लिए तालियां, जब दाल चावल बनाए थे एक दिन आया था, उस दिन खाने वाले सेलिब्रेट किया करें आप, उस दिन खाने वाले के लिए ज्यादा तालियां। भाई शादी से पहले के अशआर कुछ और होते हैं, बात के कुछ और होते हैं। शादी के पहले का कोई शेर जिनको सुनाया हो, इनके लिए तो आपने लिखा नहीं कभी, इनको जो सुना दिया हो कभी वो? इनको भी मैंने मेरे ख्याल में कोई इंकलाबी टाइप की शायरी ज्यादा सुना दी। अच्छा, और अब सुनाते हैं शेर या आप सिर्फ खरी खरी सुनाते? नहीं, पहले गाने सुनाते थे, अभी भी गाने सुनाते हैं। गॉड से एक शेर का पूछ रहे हैं वो, गाने का? अरे गाना भी सुनाते हैं भाई। अच्छा, मैं होता आपकी जगह तो गाना सुन लेता इनसे। नहीं, वसीम ने मेरा गाना सुना हुआ, इसलिए फरमाइश नहीं करेंगे। आप चाहें तो सुना दे मुझे। नहीं नहीं सर, आपके साथ गा चुका हूँ मैं, याद है इकरार में, और आप मुझे याद है, शफात के साथ भी गाया था मैंने। भाई लोग समझते हैं कि मदिया अच्छी होस्ट है, असल में अदाकारा ही बड़ी अच्छी। एग्जैक्टली, ये टैलेंट जो है लाइव टीवी पे बेगम को आपने यानी ड्रामाबाज कह दिया, क्या गया? अदाकारी क्या मतलब है? नहीं नहीं, नो डाउट, कब इन्होंने अदाकारी की? ये हिडन टैलेंट है अदाकारी का इनका, मतलब जौहर कब दिखाया इन्होंने? कब नहीं दिखाया अपने शोज में इतना? देखो भाई, हम भी एक्टिंग ही कर रहे होते हैं टॉक शोज में बैठ के। अच्छा? ना अभी मैं इस वक्त नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज जब हम आपके मासूमाना सवालात के जवाब दे रहे होते हैं तो एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो हमने जौहर पहचान लिया, ये जबरदस्त टैलेंट है, ये अच्छी अदाकारी करते हैं। मुझे लगता है जब बहुत ज्यादा टॉक शोज में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर कंट्रोल करने की बहुत अच्छी अदाकारी करते हैं। इमरान इस्माइल इशरत लिबास से अच्छे गवर्नर? नहीं, इशरत उलिबाद की कैपेसिटी जो थी ना, वो उनको गुंजाइश बहुत मिली हुई तो इसका जवाब ना के करीब समझो मैं। इमरान इस्माइल के पास तो क्योंकि गुंजाइश ही नहीं है, आईन के तहत उनको महदूद कर दिया भाई। हाँ या ना, फारूक भाई से कहूंगा प्लीज एमके में वापस आ जाए? यस हाँ। अच्छा भाई, वाह, उस शो में भी आ रहे हैं, उनसे पूछूंगा मैं, एक क्लिप काट के रख लें। अफसोस से कहना पड़ रहा है, सेनेट इलेक्शन में एमक्यूएम के कुछ लोग तो बिकेंगे। हाँ या ना? ओके चले भाई, ठीक। मदिया आपसे एक दो सवाल आते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका फेवरेट टीवी होस्ट कौन है, यानी करंट अफेयर्स एंकर्स? यू। अच्छा हाँ, थैंक यू। एक तरफ मेरा शो लगा हुआ है और एक तरफ आपके जो सबसे नापसंदीदा होस्ट हैं, मुझे नाम पता नहीं, बताऊंगा नहीं, उनका शो लगा हुआ है, लेकिन उसमें मेहमान है फैसल सब्जवारी, तो आप मेरा शो देख रही हैं या उनका देख रही हैं? मैं फैसल को देखूंगी। फैसल वैसे गालिब इम्कान इस बात का है कि वो जो आपके सबसे नापसंदीदा हैं, वो और आपके सबसे पसंदीदा एक ही चैनल पे बैठे होंगे। इस जुमले में गालिब का इस्तेमाल फकत इत्तेफाकी था? नहीं भाई, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, मेरे खिलाफ कल कोई ट्वीट आ जाए। मैं ऐसे ही बात कर रहे हैं। मैं आखिरी सवाल का, दोनों बड़ी फिल्म है? नहीं यार, दोनों को बड़ी फिल्म में अगर ऑफर हो तो काम करेंगे?
करें फिल्म में करें वैसे हो चुकी भी है अच्छा रिजेक्ट कर दी वेब सीरीज की हुई थी मैंने बहुत पोलाइटली रिजेक्ट अभी अभी रिजेक्ट बोल अच्छा अभी 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 आधे घंटे पहले रास्ते में नहीं नहीं कोई ये दो हफ्ते पहले दो हफ्ते पहले आगे बढ़े में गुगली राउंड के जाने पड़ेंगे खाली जगह पूर करके पहले आप एमक्यूएम के नहीं पहले आप एमक्यूएम की सबसे अच्छी बात डैश है जबकि फैसल की सबसे अच्छी बात डैश ये शरीफाना सवाल से आज आगाज किया सवाल रोजाना शरीफ होता है आप लोग की जहनीयत का मसला कराची में स्पेसिफिक केस में कारकर्दगी और फैसल की सबसे अच्छी बात बहुत सारी है एम अच्छा एमक्यूएम की सबसे बुरी बात डैश है जबकि फैसल की सबसे बुरी बात डैश है एमक्यूएम की सबसे बुरी बात कुछ उनका थोड़ा पास्ट है और फैसल की सबसे अच्छी बात है बुरी पूछ बुरी बात हां और फैसल की सबसे बुरी बात गुस्सा ओके एंटरटेनमेंट के मॉर्निंग शो डैश है ठीक है और न्यूज के मॉर्निंग शो डैश बेहतरीन है शादी में सबसे भारी लिफाफा डैश ने दिया गिफ्ट्स की मालियत के तौर पे कैसे लिफाफा 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 हाँ पैसे ARY के वो जो हेड ऑफ कंटेंट है अली इमरान उन्होंने अच्छा मतलब कितने का दिया आप नहीं आए थे तो आपसे ज्यादा ही दिया था यार एक तो मैं ये ताना जाना सुन सकता मुस्तफा कमाल पहले डैश थे अब डैश हो गए पहले वो अपना वर्कर थे हाँ अब वो इन हिज ओन राइट लीडर हो गए सच्ची बात है मैं भी पहले डैश था अब डैश हो गया मैं पहले भी वर्कर था अब भी वर्कर ही हूँ आमिर लियाकत डैश सियासतदान है मैं होता अजीम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता अजीम तरीन सियासतदान अजीम तरीन कैमरे की तरफ देख के हैदर अब्बास रिज़वी से कहना चाहूंगा आपका एहतराम अपनी जगह मगर आप भी डैश आपका एहतराम अपनी जगह लेकिन आप भी हमारी तरह बेवकूफ हैं किधर ले गया ये आदमी हमें यार ये जुमला सुनकर डैश याद आता स्क्रिप्ट अच्छा फेवरेट शायर इन दोनों में से डैश है फराज या अल्ताफ हुसैन हाली अल्ताफ हुसैन हाली फराज मेरा लीडर डैश है नफीस तब्दीली के नाम पर डैश आई गोली आई तब्दीली के नाम पर खाने वाली गोली खाने वाली गोली जी, यार जी। मिस हो गया एक्सप्रेशन वो जिस गुस्से से देखा था हैरानी से देखा था परेशानी से देखा था तीन दिन बाद सेनेट का इलेक्शन है टॉफी गोली टॉफी गोली मदीहा का यानी कि मेरा को होस्ट शफात बहुत डैश बहुत एंटरटेनिंग है वाह ये सवाल आपसे भी है मेरी को होस्ट मदीहा बहुत डैश है बहुत टैलेंटेड बहुत टैलेंटेड अंजुमन तहसीन बहामी वी आर टीम ऑफ कोर्स अम्माद यूसुफ साहब हमारे जो हेड है आपसे सवाल है इसका जवाब ब्रेक में मुझे करें व्हाट्सएप मेरे दोनों मॉर्निंग शो होस्ट बेहतरीन है बेहतरीन है इसका मुझे लग रहा था जवाब आएगा वो काबिले नशर नहीं होगा लेकिन आपको बताऊं कश्ती एक हमने हायर की पहले शो से कश्ती खड़ी हुई है यहाँ पे बताना थे और आपकी जो कश्ती है दो आदमी बैठे हैं मैं तो चला रहा हूँ मैं नहीं उतर रहा आप पीछे बैठे आप भी नहीं उतर बैठे हैं मुस्तफा कमाल उधर बैठे हैं अनीस खान एक को उतारना अब ये ना कहेगा दोनों को उतारने का ऑप्शन है एक को आप नहीं ऐसी कश्ती में मेरी गुंजाइश बनती नहीं बन गए बैठे हायर किया इतना बजट लग पैसे लग गए ये मुझे क्लिफ्टन के प्लेलैंड वाली कश्ती तो नहीं है यार वो भी हो सकती है उनको तो मैं झूला झूलाऊंगा उसको नहीं एक को उतारना है उनको तारदे जो बातों से तैर सकते हैं उनको तारदे जो बातों से तैर सकते हैं जो बातों से तैर सकते हैं जो मैनेज कर लेंगे तैर सकते हैं मुस्तफा कमाल साहब को उतार मुझे अच्छा आपकी कश्ती में कश्तियां दो हैं निदा बैठी है नादिया बैठी है शाइस्ता बैठी है एक को दाद आसान है ये तो अभी इनको इतने मशवरे दे रही थी ऐसे गए मैं तो वो देख रहा हूं मेरे ख्याल से मैं फिर नादिया को उतार सकती हूँ क्योंकि नादिया भी बातों से तैर सकती नादिया को पता है क्या बोला उन्होंने क्या इन्होंने कहा इस कश्ती में सारी मॉर्निंग शो होस्ट बैठी हैं ये कश्ती उलट नहीं यार ये नहीं न्यूज बेस नहीं न्यूज बेस न्यूज वाले को बचा ले प्लीज यार एक कश्ती नहीं उल्टा है उसमें वसीम भाई भी आगे बैठे हुए चला भी तो मैं रहा हूं चला भी तो आप रहे भाई कुछ तस्वीरें हैं अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं जो कि रिव्यू राउंड है चलो भाई इन तस्वीर पे आमतौर पर तो हम कहते हैं कि एक लफ्ज बताएं लेकिन अब आप बैठे हैं
तुम कहेंगे इस सिचुएशन पे तस्वीर को एक शेर सुना है। हाँ शेर भाई फैसला समझा रहे पहली तस्वीर दिखाओ भाई क्या है। ओहो मैनीक्योर पेडीक्योर का नहीं ये कुछ और अब यार क्या हो गया आपका। हाँ भाई हो रहा इरशाद इरशाद हाँ हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद देखने वाले हाथ मलते हैं। हाय हाय वाह 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 अगली तस्वीर दिखाएं भाई। हो रहा हूँ मैं किसने ये तो पिछला था। मैं भी बहुत अजीब हूँ इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। हुए हुए भाई अगली तस्वीर दिखाओ फौरन नाजुक सूरत है। आ हैं कवाकिब कुछ अच्छा नजर आते हैं कुछ हाँ। देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। अरे 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 क्या बात कर दी आपने ये क्या बात कर दी क्या हो रहा है किसको कह दिया आपने बाजीगर कौन है बाजीगर क्या शाहरुख खान की किसी बात से ऐसे शेर शेर ये शाहरुख खान की फिल्म है। हाँ अगली तस्वीर दिखाएं भाई। ओ कि किसके बारे में महविश के या मदिया के बारे में आपका दिल नहीं दिल तो जो कह रहा है पता है लेकिन आप वैसे आपका आप दिल क्या कह रहा है किसके लिए मशवरा होना चाहिए ऑफ कोर्स मेरे लिए दिन बताएं महविश के लिए तस्वीर है जिसकी आप चाहें तस्वीर हां इसमें बात तमगा इम्तियाज और इम्तियाजी नंबर शेर भी इस पे शेर भाई शेर हां यार बहुत मुश्किल में फंसा दिया आपने दोनों पे एक एक होना काले चश्मों पे हैं नहीं चाले काले चश्मे पे गाना हो सकता है शेर थोड़ी होगा हाँ। कौन सा ये कोई हाँ। रशीद अत्री का वो म्यूजिक चल रहा है काले चश्मे के ऊपर। वाह वाह भाई मैं आई एम स्पीचलेस। होए 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 मैं हाँ। जिस कैफियत पे एक शेर गया हाँ। यूं ही पत्थर नहीं होता किसी कतरे का मिजाज वो ही जाने है कि क्या सीप के अंदर गुजरी हाय 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 देखें क्या गुजरे है कतरे पे गुहर होने तक। ये आप स्पीचलेस क्यों हुए मतलब मदिया की हमने इतनी तस्वीरें दिखाई आप स्पीचलेस नहीं हुए इस तस्वीर में मतलब क्या पहले तो मैं शनाख्त नहीं कर पाता रहा था मदिया कौन सी है इसमें। अच्छा अच्छा भाई भाई मतलब मदिया पहचानी भी नहीं जा रही इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं कुछ कर ही नहीं रहा। अगली तस्वीर दिखाओ ये आपको खुश करने के लिए आप दोस्त भी तो है ना ताकि आपको भी तो खुश करना है ना आखिरी तस्वीर है भैया आपको तो आदि ने पहचान ली होगा उस गैरत की प्रिंसिपल उस हाँ। गैरते नाईद की हरतान है दीपक हाँ। शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो हुए 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 भाई आवाज आपने कहा है अगला राउंड भी आवाजों का और आखिरी राउंड है बढ़ते हमने अगले राउंड के जाने सुपर ओवर आवाज पहचाने किसकी पहली आवाज सुनाओ भाई किसकी है। इब्रानी जबान में गाया गया ये गाना आउट ऑफ कोर्स है मेरे हिसाब से तो आयमा बे दिखाया है आयमा बे ये हानिया मेरे गलत हो गया आपके जा अगली आवाज सुनाए भाई। हाँ तो उसने अनजाने में मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था उसने कुछ मांगा था मैं उसे मायूस कैसे कर देता कैसे वहीद मुराद वहीद मुराद मोहम्मद अली साहब आपका ख्याल है वहीद मुराद दोबारा से सुनवाएंगे ये सुना सुना मे बी शायद दोस्त ने अनजाने में मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था उसने कुछ मांगा था मैं उसे मायूस कैसे कर देता। हाँ भाई मेरे हिसाब से वहीद मुराद साहब हैं आपके ख्याल में वहीद मुराद साहब हैं आपके ख्याल में मोहम्मद अली साहब हैं एक इनमें से गलत है दिखाएं भाई कौन गलत है मदिया सही हो गई है और फैसल साहब गलत हो ये फिल्मी भी ज्यादा फिल्मी भी ज्यादा है साबित बस ये साबित हुआ आखिरी आवाज सुनाए भाई कितना बेसुरा गाया पहले ही बता दें वो ये बता काफी है थोड़ा सा खास है पक्के वैसे आपके कल के शो के सारे मैंने गेस कर लिया अच्छा आज क्योंकि वो सियासी लोग थे आज वाले मेहमान भी घर पे बैठे हुए ये कह रहे हैं ये हमने गेस कर लिया ये बताया ना दोबारा दोबारा से सुनवाइए आखिरी हो गया वक्त तुक्का शाज़िब खानज़ादा नो नो शाज़िब खानज़ादा कहीं मान करता है सुनाए भाई सुनाए ओह माय गॉड यार आप कमाल कर रहे हैं चले भाई ये भी सर बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन उससे पहले जलते जलते सर कराची में मुकाबला लाहौर और ट्रस्टेड प्लेयर जल्दी से लाहौर लाहौर अच्छा तनवीर भाई कराची कराची ट्रस्टेड प्लेयर कौन है आपका बाबर आजम आपका भी आप लाहौर से नहीं बोलेंगे अरे आप अपना कोई बता शर्जील कौन जीतेगा डॉक्टर
कराची किंग, आप कोई और टीम बताएंगे? कराची नहीं, कराची जीतेगा, मैं भी कह रहा हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, खुशबुओं का बड़ा अहम किरदार है जिंदगी में। डब्ल्यू पी पी हिमानी की तरफ से खुशबुओं का तोहफा आप दोनों के लिए कबूल कीजिएगा। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code, then register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.